सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले कमीशन आर्टवर्क। तो रिसेंटली मुझे ये A3 साइज़ का कमीशन आर्टवर्क आया था जो कि फुल साइज़ का है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है बनाने में। और ये इस पोर्ट्रेट का फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग शेडिंग कवर करेंगे और इसमें हम लोग फेस का और थोड़ा बहुत क्लॉथ का पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। और आउटलाइन मैंने ऑलरेडी कम्प्लीट कर लिया, अभी शेडिंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले लाइटली शेड करना है आप लोग को, जहाँ जहाँ भी डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपके रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए, मेकअप ब्रश का यूज़ किया है मैंने। और अच्छे से ऑब्जर्व करो, बिल्कुल एक एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करो। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ ड्रॉ करने से पहले, सबसे पहले कम से कम 15 मिनट तो आप सिर्फ अपने रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करने में लगा दो, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आप सीधा ड्रॉ करना चालू कर देते हो जहाँ जहाँ पे जैसा जैसा आपको दिख रहा है उस हिसाब से, तो आप काफ़ी कम टाइम में आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आपको जल्दी जल्दी अपने वर्क्स में इम्प्रूवमेंट लाना है तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ाओ। तो इससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है आपके वर्क में। इससे आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे लाइट है, कहाँ कहाँ पे डार्क है और कहाँ से लाइट आ रही है, तो किस तरीके से फेस का जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए और डेप्थ वाला एरिया कहाँ पे है और हाइलाइट्स वाला एरिया कहाँ पे, तो इस सब की नॉलेज आपको हो जाएगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए ड्रॉ करना। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ पर मैंने शेड कर दिया है सिंपली HB पेंसिल का यूज़ करके, एंड ब्लेंड भी कर दिया है। तो ये मेरे पास मेकअप ब्रश है तो इसका यूज़ करता हूँ मैं ब्लेंड करने के लिए। आपको भी मैं मेकअप ब्रश ही रेकमेंड करूँगा, बिकॉज मेकअप ब्रश काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है ब्लेंड करने में और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है इससे। तो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रूस्ट्रो का मीडियम सरफेस का, एंड जहाँ भी आपको डार्क एरिया दिख रहे हैं वहाँ पर आपको सीधा डार्क नहीं करना है, पहले आपको लाइटली शेड करना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डार्क करना है। बिकॉज अगर आप एकदम से डार्क कर दोगे तो फिर उसको आप इरेज करोगे तो फिर वो गंदा दिखेगा, इसलिए आप पहले लाइट शेड करो उसके बाद थोड़ा थोड़ा डार्क करो, इससे बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आता है और एकदम स्मज हो जाता है वो। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हमारा जो स्केच है वो और उभर के आ रहा है। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसके बाद और डार्क होगा ये। अभी देख सकते हैं कॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। अब लिप्स को शेड कर रहा हूँ मैं सेम HB पेंसिल का यूज़ करके, जहाँ जहाँ पे थोड़ा डार्क लगता है मैं उसी पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए। जहाँ पे आप ब्रश नहीं चला पाते हो वैसी जगह पे आप पेपर स्टम्प का यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी लाइटली आपको करना है पेपर स्टम्प, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है बिकॉज वो पेपर को टेक्सचर को भी ख़राब कर देता है। आप सिंपली मेरे हैंड की जो मूवमेंट है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। और वीडियो को काफ़ी स्लो रखा है मैंने, जो मेरे रेगुलरली जो मैं अपलोड करता हूँ वीडियो को, तो उस तरीके से तो नहीं है बिल्कुल भी, उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो है वीडियो, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्लो है तो वीडियो एकदम प्रॉपर आपको समझ में आएगा, और अगर रियल टाइम में इसकी वीडियो अपलोड करता तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए थोड़ा सा फास्ट किया है बिल्कुल, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपग्रेड करता जा रहा हूँ, लिप्स को मैं थोड़ा थोड़ा शेड कर रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी अलग अलग ग्रेड के पेपर जो आते हैं अलग अलग, तो उसमें शेड करने का अलग टेक्निक होता है, ब्लेंड करने का अलग टेक्निक होता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप स्मूथ पेपर यूज़ कर रहे हो तो उसमें पेपर स्टम्प से ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, लेकिन अगर आप रफ़ पेपर यूज़ कर रहे हो तो उसमें ब्रश से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है, लेकिन वो आपके ऊपर है आप किस तरीके से उसको हैंडल कर पाते हो। उसके लिए एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड प्रैक्टिस सबसे मेन होती है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होगी आपकी ड्राइंग, इसलिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कोई भी ड्राइंग में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसके जो आगे के जो भी पार्ट आने वाले हैं उसको आप मिस ना कर पाओ। अब यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं आई के लिए। ये जो मैकेनिकल पेंसिल है ये सकुरा की है मेरे पास, और इसके अंदर पेंटेल की लीड है 4B की, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है लीड, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डार्क आपको दिख रहा होगा। फिर भी मैं एकदम लाइट प्रेशर से कर रहा हूँ, बिकॉज इसके ऊपर हम लोग चारकोल से वर्क करने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हो डार्क, तो फिर ग्रेफाइट से उसके ऊपर चारकोल बिल्कुल भी ऑफ नहीं हो पाता है, वो स्लिप हो जाता है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं करना है, अभी बस रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करके लाइटली ही ड्रॉ करना है, एकदम सीधा ड्रॉ नहीं करना है जैसा आपको दिख रहा है। वो हम बाद में लास्ट में जब डिटेलिंग करेंगे पूरा स्केच कंप्लीट होने के बाद, तब उसमें आ जाएगा वो। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कैमलिन की चारकोल पेंसिल है और ये सॉफ्ट ग्रेड की है, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड डार्क होती है, सबसे डार्क होती है कैमलिन के चारकोल पेंसिल में। और काफ़ी अच्छे से शार्प कर लीजिए पहले, उसके बाद ही आप ड्रॉ करना, बिकॉज अगर सीधा ड्रॉ करोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा मोटी लाइन ड्रॉ हो जाएगी और आपका स्केच ख़राब भी हो सकता है। और इससे पहले मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करने का मेरा एक ही मोटिव था कि एक बार जो स्ट्रक्चर है आई का वो अच्छे से आ जाए, और मैकेनिकल पेंसिल को बारी बारी शार्प नहीं करना पड़ता है जो भी नॉर्मल वुड पेंसिल होती है उसकी तरह, इसलिए मैकेनिकल पेंसिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब इजी टू यूज़ हो जाता है। इसीलिए बस यही, अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप नॉर्मल वुड पेंसिल को भी बारी बारी शार्प करके यूज़ कीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया है ब्रश का यूज़ करके, मेकअप ब्रश का यूज़ करके। तो इस पोर्ट्रेट में जो ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो स्टैडलर की ग्रेफाइट पेंसिल है। आप कोई भी ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, उतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता। अब आई के बीच में जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वहाँ पर अगर गलती से ब्लेंड करते वक्त ग्रेफाइट के पार्टिकल चले जाते हैं, तो वहाँ पे आप कॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करके वहाँ पे इरेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इरेज हो जाता है। और हाँ गाइस, इस पेपर पे आप अगर ज़्यादा इरेज करते हो तो ये पेपर के टेक्सचर को ख़राब कर देता है, इसलिए पहले आप स्मूथ पेपर पर ही ट्राई करो। मैं तो आपको आइवरी पेपर रेकमेंड करूँगा, जो भी काफ़ी चीप में भी मिल जाता है एंड प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर है। उसके बाद ही आप इस पेपर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं पे मैं नीडेबल इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ इरेज करने के लिए, आप देख सकते हैं। लिप्स में मैंने हाइलाइट्स किया है, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है अभी से, और अभी भी ये कंप्लीट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट करना बाकी है। मेरे जितने भी पार्ट आएंगे उसमें आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं मिलेंगे, तो लास्ट में जब आप पूरा जब स्केच कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट के जब एक दो पार्ट होंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा कंप्लीट स्केच। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी हमको, एकदम बारीक बारीक ऑब्जर्व करना पड़ेगा रेफरेंस इमेज को, तो इसलिए एंड तक ज़रूर से बने रहना। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, इस सीरीज़ के बाद मैं उसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अगर टूल्स के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत है, मटेरियल्स के बारे में कोई दिक्कत है, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी मैं जल्दी ही रिप्लाई वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो, जल्द ही Q&A वीडियो भी आने वाला है। अभी आप देख सकते हैं नोज़ के साइड में मैं शेड कर रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ वाला एरिया है, और नोज़ के बीच में मैंने हाइलाइट्स कर दिया है, देखिए कॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करके। अभी हम लोग जो क्लॉथ वाला एरिया है उसको कवर करने वाले हैं, जो कुर्ता है उसको, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट ही है तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपली आपको HB पेंसिल का ही यूज़ करके लाइट लाइट शेड करना है जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है।
बाकी तो हम लास्ट में कवर करने ही वाले हैं। बिल्कुल लो प्रेशर से आपको शेड करना है, और अगर आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो पेंसिल को होल्ड करने की भी टेक्निक होती है अलग अलग। अगर आप अब देख सकते हैं, मैं इसमें पेंसिल को एकदम पीछे से होल्ड किया हो, अगर आप भी पीछे से होल्ड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा लाइटली आपको शेड देखने को मिलेगा। अगर एकदम पेंसिल के जो कॉर्नर पर पकड़ोगे तो और भी ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे आप पेंसिल को पास से पकड़ोगे वैसे वैसे आपका जो शेडिंग वो है डार्क दिखेगी। तो इसी वजह से पेंसिल को पीछे से पकड़ के अगर आप लाइट प्रेशर से शेड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइट लाइट आपको शेडिंग देखने को मिलेगी। अब देख सकते हैं मैंने शेडिंग को फिर से सेम ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर दिया है। अभी जो यहाँ पे बटन से है उसको मैं शेड कर रहा हूँ, आउटलाइन सा बना ले रहा हूँ। आप कोई भी स्केच बनाओगे तो रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करके ही बनाना, ऐसा नहीं है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करना। हाँ, टेक्निक आप सेम यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्केच बनाने में। तो यहाँ पे डेप्थ वाला एरिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। इसके जो सेकंड पार्ट में है हम लोग हेयर्स देखने वाले हैं, हेयर्स को ड्रॉ करेंगे एंड बाकी पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अभी इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड था तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे शेड कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। पेशेंस काफ़ी ज़्यादा रखना है आपको ड्रॉ करते समय। जब भी आप ड्रॉ करो तो बिल्कुल एकदम आराम आराम से ड्रॉ करो, ध्यान से ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ होगा। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। पहले अगर फिर भी अच्छे से नहीं ड्रॉ हो पाएगा आपसे, फिर भी प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगा वो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ड्राइंग में। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है तो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ सेम पेंसिल का यूज़ करके, फिर से मैंने ब्लेंड कर दिया। अब यहाँ पे जो है मैं हाइलाइट्स करने वाला हूँ टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके। इसलिए जो ये आपको ऊपर वाला एरिया दिख रहा होगा वहाँ पे एकदम पूरा प्लेन है, तो वहाँ पे हम हाइलाइट्स करेंगे। तभी चारकोल पेंसिल का यूज़ करके जो नेक का जो पार्ट है, अभी नेक तो नहीं दिख रहा है लेकिन जो अंदर वाला है एकदम डार्क है शेडो, तो वहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ कर दिया है। तो अभी राइट साइड का जो है वहाँ पे शेड कर देंगे, उसके बाद हाइलाइट्स करेंगे पूरा प्रॉपर। तो जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, एंड जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइटली पेंसिल को चला रहा हूँ। उस हिसाब से आप देख सकते हैं शेडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रही है। और अभी ये रफ पेपर है इसीलिए इसके ऊपर जो लाइट पेंसिल है वो भी डार्क चलेगी, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से ड्रॉ करना है। अगर आप स्मूथ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हो और डायरेक्टली इस पेपर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हो तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पेपर के ऊपर ड्रॉ करने की, उसके बाद ही ड्रॉ करो। अगर सीधा ड्रॉ करोगे तो जो नॉर्मल आप ड्रॉ करते थे उससे काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा स्केच आपका। अब यहाँ पे मैं हाइलाइट्स कर रहा हूँ टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आई होप मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सीधा ड्रॉ किया या फिर शेड करके ब्लेंड कर दिया फिर उसके ऊपर हाइलाइट्स कर दिया, आपको बारी बारी और शेड करना पड़ेगा और ब्लेंड करना पड़ेगा रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे पॉकेट जैसा कुछ था, तो वो मैं शेड कर रहा हूँ अभी। वहाँ पे भी मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ ज़्यादा थोड़ा, इसलिए वहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रहा होगा आपको। और पेंसिल को हमेशा शार्प रखना, कोई भी अगर आप स्केच या फिर कोई भी पोर्ट्रेट आप ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि पेंसिल आपकी एकदम शार्प होनी चाहिए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, आपको ड्रॉ करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो इसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत करना कि पेंसिल वेस्ट हो जाएगी। तो पेंसिल को बारी बारी शार्प करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो में भले ही थोड़ा फास्ट लग रहा है, लेकिन बिल्कुल मैं आराम आराम से स्लोली स्लोली शेड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, फास्ट बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है आपको। इससे जो है आप जब शेड करोगे तो वहाँ पे लाइन सी दिखेगी, तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी मैंने ब्लेंड कर दिया, फिर इसके बाद मैं हाईलाइट्स कर रहा हूँ, जो डिज़ाइन सी है यहाँ पे वो कर रहा हूँ। अभी जो यहाँ पे डार्क से स्पॉट है, जो भी फोल्ड्स है, उसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एक एक चीज़ को आपको ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ वही आपके जो पोर्ट्रेट को है एकदम रियलिस्टिक लुक देता है। इसी वजह से अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, तो मैं डार्क शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक फोल्ड है, तो यहाँ पे तो सामने वाला जो एरिया है वो आपको लाइट दिख रहा होगा, और जो पीछे वाला है वो डार्क दिख रहा होगा, बिकॉज़ वहाँ पे शैडो पड़ रही है, तो सामने से लाइट आ रहा है बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है इस पोर्ट्रेट में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ड्रॉ करने में भी। अभी जो छोटे छोटे बारीक से जो डिटेलिंग है वो वगैरह दे रहा हूँ, जो पार्ट छूट गए थे, जैसे कि ये वाला बटन। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाओ, एंड आने वाले वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी भूलना मत। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।